Good evening and welcome to our ongoing KP new batch. Today is lesson number 3, or including our introductory classes, we are meeting for the fourth time. Lekin ye lesson number 3 hai, theek hai, jo hum padhai kar rahe hain usme ye teesra lesson hai. और तीसरा लेसन है, कुछ हमने आपको केपी के जो मेन कॉन्सेप्ट वो हमने कोशिश किया आप लोगों को बताने का. किसी का ऑडियो म्यूटेड नहीं है, उसको म्यूट कर लीजिए. ओनली व्हेन यू आर टॉकिंग, गोइंग टू टॉक और आस्क अ क्वेश्चन और इफ आई आस्क यू समथिंग, तभी आप लोग ऑडियो को ऑन कीजिएगा. ठीक है देवी प्रसाद जी, आपका भी ऑडियो जो है ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए. रजनीश जी, आपका भी ऑडियो जो है ऑन है, ऑफ कर लीजिए. म्यूट योरसेल्फ प्लीज. रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं और जो इन कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वी हैव डन फॉर द लास्ट टू क्लासेस, आज के बाद 4 दिन का ब्रेक होगा. ठीक है, आज के बाद आपका फिर नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगा. तो आज तो हम उसी पर ही कंसंट्रेट करेंगे. जब तक मैं बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तब तक हम आगे प्रेडिक्शन टेक्निक्स पे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग है. वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ही लेफ्ट टुडे, वो उन्होंने छोड़ दिया. उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो वो था कि वैदिक का कम से कम कुछ बेसिक्स कुछ आना चाहिए, उसके बिना नहीं तो आप फिर केपी नहीं कर सकते हैं. तो ही फाउंड इट डिफिकल्ट, सो ही लेफ्ट. सो आई अलाउड हिम टू लीव आल्सो, बट एनीवे वी आर नॉट टू गिव अप. मेरे तो ये फोर्थ बैच है केपी का और आई थिंक एवरीबॉडी हैज पिक्ड अप व्हाटएवर हैज बीन टॉट. और आज भी देखिए हम स्टार्ट करते हैं. देवी प्रसाद जी, आप कुछ पूछ रहे थे, आपने कुछ हमसे पूछा हुआ है, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ. अभी एक मैं यहाँ कुछ खोलता हूँ. आई ओपन अ लाइव, लाइव हॉरोस्कोप. ये आपके सामने स्क्रीन आएगी अभी. ठीक है, स्क्रीन आएगी तो फिर देखिए, ये आपके सामने लाइव स्क्रीन आ गई. ठीक है, अब आप पूछिए मुझसे क्या पूछना चाह रहे थे. जस्ट टेल मी देवी, अपना आप ऑडियो ऑन कर लीजिए, अनम्यूट करके जस्ट आस्क मी. उसके बाद फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि जो मैंने पढ़ाया उसमें कितना आप लोगों को समझ में आया है. आप सुन पा रहे हैं मुझे देवी प्रसाद जी? मिस्टर देवी प्रसाद, कैन यू हियर मी? क्या हो गया, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? हाँ नमस्ते राजीव, आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं सुन पा रहे, कोई हमारा नहीं पता है, ऐसे हो गया हमारा क्लोज हो गया. आपको जो क्वेश्चन पूछना है ना, आप ही के लिए वेट कर रहे हैं. क्वेश्चन आप पूछिए खोल करके. ठीक है, इन द मीनवाइल चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको. वी डूइंग इट दिस कॉन्सेप्चुअल थिंग. आज हम लास्ट क्लास है, इसके बाद फिर हम कुछ और करेंगे. ये कॉन्सेप्चुअल चीज जो है, इसको आज हम आखिरी बार कर रहे हैं. कैन यू ओके नाउ?
लेट हिम कम, देवी प्रसाद जी को ये बताइए, मैं पूछूं अगर आपसे तो आप लोग बता पाएंगे कि जुपिटर, बिना लुकिंग एट दिस टेबल, जुपिटर किसके नक्षत्र में है? मार्स के नक्षत्र में है, ठीक है। मार्स, मार्स का नक्षत्र जो है जहां हम देख रहे हैं जुपिटर को, मार्स का ये वाला नक्षत्र धनिष्ठा कहां से शुरू होता है और कहां खत्म होता है, कितने डिग्री से कहां से शुरू हो गया और कहां खत्म होता है? 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट। सर कैप्रिकॉन से शुरू होता है 23 डिग्री 20 मिनट से। हाँ, 0 डिग्री से नहीं शुरू होता है, ठीक है। एक्वेरियस में जाएगा 6 डिग्री 40 मिनट, ठीक है। आप कौन बोल रहे थे अभी? सर मनीष बोल रहा हूँ। हाँ मनीष जी, आपको ना, आप आपको आता है, आपको क्लियर है, ठीक है। मैं उन लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ जिनके दिन में कोई डाउट। 0 डिग्री किसने बोला था? सर मैं अमित, सर मैं ये बोल रहा था कैप्रिकॉन में वो 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट में, इसलिए मंगल के नक्षत्र में। नहीं, 0 डिग्री क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि सर उसका जो थर्ड क्वार्टर है सर, उसी में फंस रहा था सर। हाँ तो थर्ड क्वार्टर कैप्रिकॉन का थर्ड क्वार्टर जो है, थर्ड क्वार्टर नहीं है वो, थर्ड नक्षत्र कितने डिग्री से शुरू होता है आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए सर, वो मकर में चालू होता 23 डिग्री 40 मिनट से। बोलिए। आप आइए फिर से ज्वाइन कीजिए। नहीं, मकर में देखिए, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप चलिए सैगिटेरियस से शुरू कीजिए। सैगिटेरियस से नक्षत्रों का नया साइकिल स्टार्ट होता है। सैगिटेरियस में पहला नक्षत्र कौन होगा? सर केतु। आप कोई और नहीं बोलेगा प्लीज। कौन होगा सबसे सैगिटेरियस में पहला नक्षत्र? सर केतु। केतु कितने डिग्री से कितने डिग्री तक? सर 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। अच्छा, उसके बाद कौन होगा? सर उसके बाद शुक्र। शुक्र तो शुक्र कितने डिग्री से कितने डिग्री होगा? सर 13-20 से 26-40। 13-20 से 26-40। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद सर सूर्य का आएगा। सर सूर्य कितने डिग्री से कितने डिग्री होगा? आई थिंक सर 26-40 से 30 तक। सर वो एक पार्ट हुआ, वो एक पार्ट होगा जो कि सर सैजिटेरियस में आ जाएगा। हाँ। बाकी उसके 10 डिग्री आगे वाली राशि को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे वाली राशि के 10 डिग्री तक मिल गए। यस सर। उसके बाद कौन आएगा सूर्य के बाद? सर चंद्र। चंद्रमा कितने डिग्री से कितने डिग्री कैप्रिकॉन में होगा? मतलब 10 डिग्री से और अपन 13-20 जोड़ेंगे तक सर। 23-20, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा सर? फिर मंगल आ जाएगा सर। तो मंगल कितने डिग्री से शुरू हो रहा है कैप्रिकॉन में, वो पूछ रहा था मैं। मंगल सर 23-20 से चालू। हाँ, तो आप 0 डिग्री जो बोल रहे थे ना, वही मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आप और सभी लोगों को ये चीज क्लियर है? सभी लोगों को? रजनीश जी आपको क्लियर है? यस सर क्लियर है। मनीष जी को तो पता है, और देवी प्रसाद जी शायद कुछ उनको नेट प्रॉब्लम की वजह से आउट हो गए हैं, वो फिर ज्वाइन करेंगे। मनीषा जी आपको तो क्लियर है बिल्कुल? मनीषा जी आपको क्लियर है? कनेक्शन नहीं, कनेक्शन मेरा ठीक है, मैं देख रहा हूँ कौन पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में अपने सामने रख रहा हूँ, सो दैट मैं एक एक करके पूछूंगा। अमित जी से पूछ लिया, देवी प्रसाद जी अभी ज्वाइन नहीं किए। मनीषा जी आप आ गई हैं, मैंने आपको एडमिट किया था। यस सर। हाँ, आपको क्लियर है बिल्कुल कॉन्सेप्ट इसका? यस यस यस। कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं। नीलेश ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है,
सुमित आपको क्लियर है? सर क्लियर है। सूर्य प्रकाश जी ने शायद ज्वाइन नहीं किए हैं, हैव यू ज्वाइन मिस्टर सूर्य प्रकाश? भैरव जी आपको क्लियर है? जी जी एकदम क्लियर है सर। क्लियर है ठीक है ओके नाउ वील कंटिन्यू एंड वील वेट फॉर विद हम कुछ और करते हैं तब तक और लेट मिस्टर देवी प्रसाद जी ज्वाइन देन वील कम बैक। देखिए थोड़ा सा जिसको आता है उसको भी पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज यू नो आई वॉन्ट एवरी वन टू बी मतलब मैं दूसरा एक स्क्रीन खोलता हूँ चलो लेट्स नाउ एक्सेप्ट वन पर्सन आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन सो आई थिंक वील गो वील टेक अप सम अदर स्क्रीन। देखिए अब आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइए जो मैं अभी बिना किसी स्क्रीन को खोले हुए कि सबसे पहले कोई भी ग्रह केपी में किसका रिजल्ट देगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेज हाउ मच You all have understood or you all already know. सबसे पहले कृष्णमूर्ति पद्धति में कौन सा ग्रह कोई भी ग्रह जो है सबसे पहले किसका रिजल्ट देगा। सपोज मैं इसी चार्ट को ये चार्ट आपके सामने है या बंद हो गया है? है सर है ना। सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मरकरी जो है वो कहाँ का रिजल्ट सबसे पहले देगा? Mercury will give the result of Mercury only, sir. एक सेकेंड आप मत बोलिएगा जो थर्ड हाउस कैसे बताइए इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ सिक्स्थ हाउस बिकॉज इट इज सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस सर। कौन बोल रहे हैं? सर अमित सर। अमित नॉट बिकॉज इट इज सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस इट इज मरकरी द लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड ऑफ मरकरी इज मरकरी सर एंड मरकरी एंड इज सिटिंग इन द सिक्स्थ हाउस तो सबसे पहले मरकरी जो है वो उस ग्रह का रिजल्ट देगा जिसके नक्षत्र में वो बैठा है उसका नक्षत्र स्वामी जहाँ बैठा है। नमस्कार नमस्ते। हाँ ये देवी प्रसाद जी पूछिए आप क्या आप पूछ रहे हैं कि आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है। अब आप एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या था मुझे बताइए और हम लोग सब डिस्कस करके उसको आपके प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। सर मेरे ख्याल से अभी जो मार्स है मार्स किस नक्षत्र पर है आप बताइए। मार्स का डिग्री होता है 10:46:26 ठीक है। हाँ 10:46 मानिए उससे फर्क सेकंड से नहीं फर्क ज्यादा पड़ेगा 10:46 उस किसी नक्षत्र में और जो लॉर्ड क्या है उसको जानना चाहते हैं हम कैसे जाऊंगा सर कैसे देखूंगा उसको किसी तरह से देखूंगा जैसे देखिए वो तो मैंने आपको पहले दिन जो फर्स्ट लेसन में जो आपको बताया था वो आप याद नहीं करेंगे तो आप नहीं जान पाएंगे उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। वो हेल्प इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना एरिस। सर मेरे ख्याल से देखिए मैं एक सीखा हूँ 10:46:26 मींस ओ मून होगा क्या मून होगा क्या नहीं होगा ना। एक आप कोई और नहीं बोलेगा प्लीज एक मिनट मून कैसे होगा बताइए यार। वही तो मैं कह रहा हूँ देखिए देवी प्रसाद जी वो आपको समझना पड़ेगा ठीक है सर। मैं जानना चाहता हूँ मून जो है मून 10 डिग्री से 23 डिग्री से जाता है। नहीं नहीं आप ये बताइए मून किस राशि में है। चलिए पहले छोड़िए उसको मून किस राशि में है किसके राशि में है मून किस राशि में है। कैंसर में कहाँ मून है ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना। ये तो अब हम आज थर्ड डे है हमारा तो ये कौन सी राशि है जहाँ ये मून कहाँ बैठा हुआ है मून कहाँ। आप मार्स की बात कर रहे हैं कि मून की किसकी बात कर रहे हैं आप मार्स की बात कर रहे हैं ना मार्स की बात। तो मार्स किस राशि में बैठा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 फाइव इज व्हाट राशि हो जी मेष मिथुन कर्कट सर। नहीं ये देखिए ऐसा है ना
ये आपको याद करना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी मैंने आपको सारा कुछ दे दिया है, तो ये आप याद करेंगे कि ये कौन सी राशि है। ये तो आपको लियो सर तो ये मतलब एट अ ग्लांस आपको तुरंत बताना होगा, तो वो आप खुद ही याद, मैं याद नहीं करवा सकता हूँ आपको सर, वो आपको खुद याद कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप लियो में किस किस कौन किस किस प्लैनेट का नक्षत्र होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा सर, ये आपको जानना पड़ेगा ना। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ एरीज से शुरू कीजिए। पहला नक्षत्र एरीज में केतु का होता है, दूसरा वीनस का होता है, तीसरा सन का होता है, फिर टॉरस में सन कंटिन्यू करता है, उसके बाद मून आता है, उसके बाद मार्स आता है, फिर जेमिनी में मार्स कंटिन्यू करता है मार्स, फिर उसके बाद राहु आएगा, फिर जुपिटर आएगा, जुपिटर फिर कंटिन्यू करेगा कर्क में, जो आप बोल रहे थे कर्क में, जुपिटर के नक्षत्र के बाद फिर शनि का नक्षत्र आएगा, और आखिरी नक्षत्र जुपिटर में मरकरी का आएगा। उसके बाद फिर साइकिल यहाँ से शुरू हो जाता है, नौ ग्रह है, नौवां ग्रह मरकरी है, तो यहाँ फिर ये केतु अगर हो, केतु कितने डिग्री से कितने डिग्री होगा बताइए? केतु 0 to 13.20। तो मार्स कहाँ है? केतु का नक्षत्र। मार्स कहाँ है, किसके नक्षत्र में है? सर समझ नहीं पाया सर, और एक मिनट। इसके ये तो ओरिजिनल है ना, मैं इसमें कुछ लिख भी नहीं सकता हूँ, ये ओरिजिनल हॉरोस्कोप हमने खोला हुआ है सर 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 सर, इसमें मैं लिख भी नहीं सकता हूँ। मार्स ये तो आपको देखिए, ये आपको कौन सी राशि है इसमें और कौन सा नक्षत्र किसमें है ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सर लियो में मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी आता है, ठीक, उसके लॉर्ड कौन है? देखिए मघा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी ठीक है, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उसका लॉर्ड कौन है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखिए 27 नक्षत्र के नाम आप मत याद कीजिए, मैं बोल रहा हूँ डोंट वेस्ट योर टाइम, उससे कुछ नहीं होगा सर। लॉर्ड आने के लिए उसका तरीका हो, पहले क्या देखूंगा उसके बाद क्या देखूंगा उसके बाद क्या देखूंगा, हमको लॉर्ड आने का पाए एक एक सिंपल पूरा एक पहले से बताइए। हम जो मार्स का लॉर्ड देखेंगे, मार्स का लॉर्ड देखने के लिए पहले हमको क्या देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद क्या देखने के बाद हमको लॉर्ड मिलेगा? क्या देखेंगे मतलब नहीं समझ रहा हूँ मैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं सर? मार्स का लॉर्ड हम जब देखेंगे सर, मार्स का लॉर्ड कौन है? मार्स का लॉर्ड थोड़ी कोई है, मार्स किसी का लॉर्ड होगा ना। मार्स का लॉर्ड मतलब क्या है? मार्स किसी राशि में बैठा है और किसी नक्षत्र में बैठा है, आपको हर एक ग्रह कौन से राशि में है और किसके नक्षत्र में ये जानना पड़ेगा। सर मार्स तो लियो में है, लियो में है सर, को कितने डिग्री में है? 10, 46, 20। तो कौन, हाँ तो उस 10, 46 डिग्री किसके नक्षत्र में पड़ता है? लियो में। अरे लियो नक्षत्र नहीं है ना, किसके नक्षत्र में पड़ता है? 10 degrees 46 minutes किसके नक्षत्र में पड़ता है सर? मून में पड़ता है। मून में पड़ता है? नहीं नहीं, देखिए अंदाज तो ये तो आपको, ये मैं आपको नहीं याद करवा सकता हूँ, आपको ये खुद याद कराना। पहला और दूसरा वीडियो आज तो उसका हमने ग्राफिक लिया भी नहीं है, अगर मैं फिर वहां पर जाऊंगा तो फिर आपका आज का पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। ये आपको, आप पहले दिन का वीडियो देखिए, उसको समझिए कौन सा नक्षत्र के क्या एक वो होते हैं, आप लोग बोलिए तो मुझे ये केतु में होगा सर, केतु में होगा ठीक है, क्योंकि 0 to 13.20 वो बात मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूं। हाँ तो वही आपको याद करना है, उसके बाद 0 to 13.20 केतु के बाद फिर कौन सा नक्षत्र आता है? केतु के बाद वेनस, ठीक है, तो वेनस कितने तक होगा 13.20 से लेकर के 26.40, बस ठीक है, यही आपको याद कर लेना है सभी राशियों के लिए। नहीं याद है तो अभी आप एक नोट बना के जब हम लोग जब क्लास करते हैं उसको अपने सामने रखिए,
ठीक है मैं ठीक सर मैं आप जो बात बोला है ठीक सर बोला है मैं डाउट हो जाता है ठीक है जो डिग्री वहां पर लिखा है हम देखेंगे वो डिग्री कहां से कहां तक मिलेगा हमारे वो डिग्री किसके नक्षत्र में होगा उसका जो लॉर्ड होगा उसको हम बोलेंगे ठीक है सर और एक मत क्वेश्चन पूछिए सर अब आप ठीक है चलिए जुपिटर किसके नक्षत्र में बताइए जुपिटर सर 4.53 मार्स मार्स वेरी गुड तो अब तो ये आपको क्लियर हो गया यही आप समझना चाह रहे थे ना यही समझना चाह रहे ठीक ठीक सर एक बार सर मार्स क्यों हुआ क्योंकि मार्स 23.20 से 6.6 degree 40 मिनट जाते हैं इसलिए उसके अंदर वो आता है इसलिए वो मार्स हुआ यही तो बात है ना सर बस 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 ठीक है एकदम सही इसी प्रकार से सब आपको ये कौन सा किस नक्षत्र में बैठा है ग्रह आपको जब मालूम हो जाएगा उसके बाद फिर जो है हम प्रेडिक्शन की बात कर सकते हैं आगे अब केपी का सबसे पहला नियम जो हमने पढ़ा था जो हमने आप लोगों को बताया था मार्स केतु के नक्षत्र में है तो मार्स एज ए प्लैनेट किस भाव का फल देगा सबसे पहले बताइए अब हमको सर कोई भी बता सकता है कि देवी प्रसाद जी बताएंगे नहीं आप कॉन्फिडेंट है आपको आता है वो उन्हीं को बताने दीजिए तभी वो सीख पाएंगे देवी प्रसाद जी बताइए सर मार्स सर मार्स किसके नक्षत्र में बैठा है केतु के नक्षत्र में आपने बता दिया बैठा हुआ है सर केतु किस हाउस में है किस भाव में है किस कस्ट में है केतु कहीं नजर आ रहा है आपको आ रहा है सर टेंथ में लिखा है वो टेंथ में लिखा है तो मार्स जो है केतु के नक्षत्र में केतु का नक्षत्र स्वामी मार्स का नक्षत्र स्वामी केतु है वो जिस भाव में बैठा है सबसे पहले मार्स उसका रिजल्ट देगा केपी एस्ट्रोलॉजी में सर सर ठीक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर हम पढ़ रहे होते तो मार्स हमको रिजल्ट देता जहां बैठा है सेवेंथ हाउस में बैठा है तो सेवेंथ हाउस का रिजल्ट देता और जिस जिस घर का वो स्वामी या थर्ड का स्वामी है यानी कि एरियस का और टेंथ हाउस स्कॉर्पियो का स्वामी है तो थर्ड टेंथ और सेवेंथ का रिजल्ट देता आप समझ रहे हैं बात को लेकिन केपी में नियम केपी का नियम क्या है कोई भी ग्रह उसी पर अब हम आएंगे नेक्स्ट ग्राफिक वही खोलेंगे कोई भी ग्रह जिस प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा है उसका सबसे पहले वो रिजल्ट देगा अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ ठीक है ये आपको क्लियर हो गया होगा हमको लग रहा है अब हाँ सर 95% हुआ है 95% हो गया ओके प्रैक्टिस करने से हो जाएगा हो गया 100 हो गया चलिए अभी देखिए देखिए ये ग्राफिक हमने खोला है ठीक है ना आगे आप लोगों के सामने यस सर जी जी ठीक है अब देखिए लेफ्ट साइड में ये नॉर्थ इंडियन चार्ट भी बना दिया हमने साउथ इंडियन चार्ट भी बना दिया है और आप लोगों को समझाने के लिए एक ये इसको कहते हैं केपी में टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स इसको कहते हैं हम लोग केपी में इसी तरह के टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स आपको मिलेगा एक्चुअल हॉरोस्कोप में भी जब हम खोलेंगे तो इसको हमको ये समझना है कि अब आप देखो कि जुपिटर इस चार्ट को देखिएगा साउथ इंडियन चार्ट को इसको हटा दीजिए नॉर्थ इंडियन चार्ट में हटा देता हूं फिलहाल आई एम गोइंग टू रिमूव दिस अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगा बाद में फिर मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगा ठीक है यस नॉर्थ इंडियन चार्ट में हटा देता हूँ फिर कंपेयर करने के टाइम में एक सेकंड गलत हो गया
Nobody should get impatient, please. ठीक है, आप लोग जब तक मेरे साथ हैं, दो महीने, ढाई महीने का, तीन महीने लग जाए, साढ़े तीन महीने लग जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए, ये देखिए साउथ इंडियन चैट है आपके सामने, और ये देखिए यहाँ इसको कहते हैं केपी में टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स. ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ये है कस्प. किस भाव की स्टडी हम कर रहे हैं वो कस्प है. लेफ्ट हैंड साइड में कस्प लिखा हुआ है. अब अभी आप लोगों को एक बैकग्राउंड हमने बताया. अब आप लोग मुझे बताइए कि जुपिटर को हम लेते हैं, जुपिटर किसके नक्षत्र में है, कोई बताओ मुझे. कोई भी बताइए, जुपिटर किसके नक्षत्र में है. वीनस. वीनस के भरणी में सर, वीनस के में. वीनस में है, ठीक है. तो जुपिटर हमको सबसे पहले किसका रिजल्ट देगा, किस हाउस का रिजल्ट देगा, ये पूछना चाह रहा हूं मैं. एट्थ हाउस का सर. हाँ, क्यों देगा एट्थ हाउस का. वीनस इज पॉजिटेड इन एट्थ हाउस बिकॉज द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ जुपिटर विच इज वीनस इज पोजिशन इन द एट्थ हाउस. देखिए जुपिटर यहाँ है, ये वीनस के नक्षत्र में है क्योंकि 14 डिग्री एरीज में बैठा है. तो 14 डिग्री एरीज जो है वीनस का नक्षत्र है. तो जुपिटर अपने दशा, अंतरदशा, महादशा में जो रिजल्ट देगा वो जहां वीनस बैठा है जिस भाव में, उस भाव का सबसे पहले रिजल्ट देगा. तो वीनस बैठा कहाँ है, किस भाव में बैठा है. एट्थ हाउस. एट्थ हाउस. तो देखिए इसमें एर्थ हाउस के अगेंस्ट हमने लिखा हुआ है ऑक्यूपेंट ऑफ कस्प. ऑक्यूपेंट ऑफ कस्प कौन है एर्थ हाउस का, वीनस है, वो हमने यहां लिख दिया. ठीक है, और जुपिटर के नक्षत्र, वीनस के नक्षत्र में कौन है, ये देखिए प्लैनेट इन स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट. स्टार नक्षत्र को ही कहा जाता है. स्टार इन प्लैनेट ऑफ ऑक्यूपेंट विच इज द ऑक्यूपेंट, द प्लैनेट अपियरिंग इन कॉलम बी, दिस इज द ऑक्यूपेंट. मतलब ये आठवें भाव, आठवां भाव ये है, इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं. आठवें भाव में बैठा है वीनस, वीनस के नक्षत्र में है जुपिटर. तो जुपिटर की जब भी दशा, अंतरदशा, महादशा आएगी तो सबसे ज्यादा प्रभाव के साथ, सबसे स्ट्रेंथ में, सबसे स्ट्रॉन्ग वो रिजल्ट किस भाव का देगा, वह आठवें भाव का देगा. वो आठवें भाव का देगा. अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे होते तो जुपिटर का आठवें भाव से कोई मतलब नहीं था. कोई मतलब है क्या, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो. जुपिटर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर किस हाउस में बैठा हुआ है सर. फर्स्ट हाउस. फर्स्ट हाउस कहाँ है यार. ये तो हाउस नंबर है ना, ये तो एरियस फिक्स्ड है. हमने बताया ना आपको, लिखा दसवें भाव. दसवें भाव में या नौवें भाव में, चलो आप मान लेते हैं दसवें भाव में मान लेते. वैदिक में दसवें भाव में. वैदिक में बिन दसवें भाव में. तो दसवें भाव का रिजल्ट देगा, और किसका किसका देगा वो, जहां लॉर्ड, जहां जहां कहा, तो कहाँ कहाँ का लॉर्ड है वो. किस किस भाव का लॉर्ड है जुपिटर. यू नो लॉर्ड ऑफ नौवीं राशि आएगी सर, छठवें भाव का. और ग्यारह सर, छठवा ही मैसेज. नहीं, जुपिटर की एक ही राशि होती है क्या. यस सर, थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है सर. थर्ड हाउस का लॉर्ड कैसे है यार जुपिटर, आप हमको बताइए. तो लिखा नहीं रहेगा. मैं आई एम रिपीटिंग, ये आपको मालूम, ये कौन सा राशि है. चलिए आप लोगों से मैं पूछता हूँ. मेष. मेष ये क्या है. वृषभ. ये क्या है. जेमिनी. मिथुन सर. मिथुन. हाँ ठीक है, मिथुन.
ये क्या है? कैंसर। ये क्या है? लियो। लियो। नेक्स्ट क्या है उसके बाद? वर्गो। वर्गो। उसके बाद? लिब्रा। लिब्रा। हाँ, तो ये तो देखिए आपको याद करना पड़ेगा ना, ऑल ऑफ यू सर। ये एरियस फिक्स्ड है, बट एरियस कैन बी एनी हाउस। हियर इट इज द 10th हाउस। 10th हाउस एरियस है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, जुपिटर जो है, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे होते तो 10th हाउस का रिजल्ट देगा या 9th हाउस का। जिस वैदिक में 10th हाउस का भाव चलित की बात नहीं कर रहा हूं, जिस राशि में बैठा है 10th भाव में बैठा है, तो जुपिटर हमें 10th भाव का रिजल्ट देता, 9th भाव का रिजल्ट देता और 6th हाउस का रिजल्ट देता। लेकिन केपी ने देखा कि जुपिटर हमें 8वें भाव का रिजल्ट दे रहा है, तो क्या, व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दैट? तो जुपिटर जिसके जिसके स्टार में बैठा है या नक्षत्र में बैठा है या कॉन्स्टेलेशन, स्टार नक्षत्र एंड कॉन्स्टेलेशन आर द सेम थिंग, सबसे पहले उसका रिजल्ट देगा जहां उसका नक्षत्र लॉर्ड बैठा है। तो ये जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? वीनस है। वीनस कहां बैठा है? 8वें भाव में बैठा है, ठीक है। तो सबसे पहले जुपिटर हमको 8वें भाव का रिजल्ट देगा। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट आप लोग को, आप समझ रहे हैं सर? जी सर। आगे बढ़ू सर? ठीक है। नहीं सर, नहीं है? नहीं, क्यों नहीं समझ में आया? किसने नहीं बोला? मैंने बोला सर। नहीं, नाम बताइए। स्क्रीन पे आप लोग नजर नहीं आ रहे हैं मुझे, मैं वो हटा देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में। रजनीश है नाम जी। हाँ रजनीश है ना। रजनीश जी क्यों नहीं, क्यों क्या नहीं समझ में आया? मैंने ये सर ऐसा वीनस ऑक्युपेंट है जी। हाँ ठीक है सर। 8वें भाव का। 8वें भाव का तो वीनस की महादशा या अंतरदशा में ही तो जुपिटर। अभी वीनस की, वीनस किसका रिजल्ट देगा उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम जुपिटर की बात कर रहे हैं। जुपिटर वीनस का पहले देगा सर? वीनस का नहीं देगा, 8वें भाव का देगा। ठीक है वो सर। प्लैनेट दूसरे प्लैनेट का रिजल्ट नहीं देता है, वो किसी भाव का रिजल्ट देता है। ठीक है सर, ठीक है। नहीं समझ गए आप ना? हाँ समझ गया जी। समझ गए ना, ठीक है। तो ये केपी का रूल नंबर 1 है। दीज आर कॉल्ड द गोल्डन रूल्स ऑफ केपी। एनी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट सबसे पहले अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देगा, कोई भी प्लैनेट। जैसे देखिए ये 9th हाउस में आ जाइए, वीनस मून केतु सैटर्न। अब वीनस मून केतु सैटर्न ये 4 प्लैनेट जो है 9th हाउस का रिजल्ट देंगे। अब यहां से जो आप समझ पाए हैं तो मुझे बताइए कि वीनस जो है 9th हाउस का रिजल्ट क्यों देगा? ये मैं किसी का ऑडियो चल रहा है भाई पीछे से, बंद कर दीजिए प्लीज। किसी का कुछ टीवी या कुछ चल रहा है साइलेंट कर दीजिए, नहीं तो आप लोग को फिर कल रिकॉर्डिंग में आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ेगा। आप देखिए अप्लाइंग द सेम लॉजिक, रजनीश जी सेम लॉजिक को अप्लाई कीजिए। वीनस देखिए इस चार्ट से किसके नक्षत्र में है? वीनस किसके नक्षत्र में है सर? जुपिटर। जुपिटर सर। जुपिटर के नक्षत्र में। और जुपिटर कहाँ किस भाव में बैठा हुआ है? जुपिटर 9वें, 8वें। ठीक से देखिए वो सब समझा। 9वें में सर। हाँ तो वीनस चूंकि जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है तो, और जुपिटर उसका नक्षत्र स्वामी हो गया, जुपिटर 9th हाउस में बैठा है तो वीनस हमें 9th हाउस का रिजल्ट सबसे पहले देगा। ठीक है सर जी। ठीक है चलिए। नहीं अभी आप एक मिनट, अब कोई और बताए वो किसकी आवाज आ रही है पीछे से प्लीज? किसकी आवाज आ रही है, क्यों नहीं बंद कर रहे हैं उसको? अब हमें बताइए मून, चलिए वीनस समझ गए आप लोग। मून चंद्रमा जो है किसके नक्षत्र में है? यहां पर ये इसको देख करके बताइए चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? जुपिटर के सर। जुपिटर के नक्षत्र में है तो चंद्रमा भी सबसे पहले, जुपिटर जहां बैठा है वो बंद नहीं हो रहा है, वो ऑडियो किसी का चल ही रहा है,
मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऑडियो में डिस्टर्बेंस किसी का है। तो मून भी जुपिटर का रिजल्ट है, कॉन्सेंट्रेशन मेरा टूटता है अगर पीछे से आवाज आती है तो। आप लोगों को नजर आ रहा है क्या, किसका ऑडियो ऑफ नहीं है? सर ओनली रजनीश जी, रजनीश जी का ऑडियो था सर। रजनीश जी अपना ऑडियो ऑफ, जब नहीं बोलिएगा तब ऑफ कर दीजिएगा, बोलना होगा तब ऑफ। और अगर ऑडियो ऑन भी है तो देखिए पीछे बैकग्राउंड से आवाज क्या आ रही है, उस आवाज को बंद कर दीजिए। सर इसका थोड़ा एक सिंपल ट्रिक है, आप अनम्यूटेड ही रखिए जब भी। नहीं मैं ऐसा है ना, अगर सबके फोटो स्पेस बार आप देखिए ऐसा। हाँ क्या स्पेस बार? स्पेस बार बटन दबा के बोल दे सर, और स्पेस बार बटन जब तक दबाएंगे जब तक आप बोल सकते हैं, जैसे ही छोड़ेंगे तो अपने आप अनम्यूट हो जाएगा। तो वो आप वो बता दीजिए लोगों को, मुझे नहीं पता है ना ये, आई एम नॉट वेरी कंप्यूटर। थैंक यू भाई जिसने बोला, बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो मून भी जुपिटर के नक्षत्र में है, देख लिया आप लोगों ने। तो मून भी नाइन्थ हाउस का रिजल्ट देगा, क्योंकि उसका नक्षत्र स्वामी जुपिटर नाइन्थ हाउस में बैठा है। अब आप आइए, चलिए केतु को देखिए किसके नक्षत्र में है। एनीबडी, केतु किसके नक्षत्र में है? स्वाति में सर, राहु के में, राहु के नक्षत्र में सर। राहु के नक्षत्र में है। राहु कहाँ बैठे हुए हैं? राहु भी नाइन्थ भाव में बैठा है। राहु इन नाइन्थ हाउस, देयरफॉर केतु विल आल्सो गिव द रिजल्ट ऑफ नाइन्थ हाउस। सैटर्न किसके नक्षत्र में है? सर सैटर्न बैठा हुआ है सर केतु का नक्षत्र में। नहीं सैटर्न 8 डिग्री का है वृषभ राशि में सर। हाँ वो तो ठीक है, तो किसका नक्षत्र है वो? सैटर्न वो केतु का नक्षत्र में है। केतु वहाँ कहाँ आता है यार, जेमिनी में केतु थोड़ी होता है सर। मंगल वो राहु सर, राहु तो राहु कहाँ बैठा है? राहु फिर से वहीं पे नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में बैठा है। ओके सर, यहाँ पे सैटर्न सिक्स्थ कस्प में भी है सर। नहीं नहीं अभी अभी छोड़िए, सिक्स्थ कस्प सैटर्न कहाँ बैठा है अभी उसकी बात नहीं हो रही है सर। एक्चुअली में सर ये कुंडली में सैटर्न यहाँ पे सैटर्न वो उसमें भी आएंगे। आप पहले इसको समझिए कि एक कॉलम के कैसे रिजल्ट आता है। अभी सैटर्न कहाँ बैठा है उसको देखना ना सर। वो नहीं, सैटर्न दो बार लिखा हुआ है सर। अरे आप रुको तो यार, रुको तो एक मिनट मुझे आप। तुम सैटर्न दो बार नहीं तीन बार लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। तो सर वो जो कुंडली है सर लेफ्ट साइड में, उसमें सैटर्न दो बार लिखा हुआ है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है रहने दीजिए। ये हाइपोथेटिकल कुंडली है समझाने के लिए, मान लीजिए लिख भी दिया है तो आप। अच्छा सैटर्न दो बार लिखा है ना, ठीक है कोई बात नहीं है। सैटर्न की प्लेसमेंट जब आएगी, सैटर्न के नक्षत्र में अगर कोई होगा देन इट विल मेक अ डिफरेंस। ठीक है, सैटर्न किसके नक्षत्र में, गलती से लिख गया होगा सैटर्न किसके नक्षत्र में, इसको इग्नोर कर दीजिए, ये शायद गलत लिख गया है। अब ये ठीक है, आप लोगों ने सही पकड़ा। तो देखिए वीनस मून केतु एंड सैटर्न, दे विल ऑल इन इट्स महादशा, दे विल ऑल गिव द रिजल्ट ऑफ द नाइन्थ हाउस, बिकॉज देयर नक्षत्र लॉर्ड्स आइदर जुपिटर है या राहु है, दोनों नाइन्थ हाउस में बैठे हैं। तो ये चारों ग्रह जो है ना नाइन्थ हाउस का अपने दशा अंतर दशा में रिजल्ट सबसे पहले देंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा सबको। नहीं हुआ हो तो बताइएगा मुझे प्लीज। ठीक है चलिए देखिए, अब आप आइए देखिए, मैं बता रहा हूं जुपिटर को अभी हम, चलो लेट अस कीप डिस्कसिंग जुपिटर। सबसे पहले ग्रह कोई भी अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है जहां उसका नक्षत्र स्वामी बैठा है, उसके बाद वो स्ट्रेंथ में, इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, उसके बाद वो रिजल्ट देता है जहां जिस भाव में वो खुद बैठा हुआ है। तो जुपिटर की बात करें तो जुपिटर किस भाव में खुद बैठा हुआ है, किसका ऑक्यूपेंट है, तो ये नाइन्थ भाव है। देखिए तो सैटर्न सबसे स्ट्रॉन्गली आठवें भाव का रिजल्ट देगा, उसके बाद इन स्ट्रेंथ, सेकेंड इन स्ट्रेंथ वो नाइन्थ हाउस का रिजल्ट देगा। ये अभी गोल्डन रूल्स ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति में हम लोग आएंगे तब और आप समझिएगा। नेक्स्ट ग्राफिक में थर्ड में फिर थर्ड इन स्ट्रेंथ जुपिटर किसका रिजल्ट देगा, उसका नक्षत्र स्वामी
जिस भाव को ओन करता है, उसका नक्षत्र स्वामी कौन है? देखिए कर्सर को, जुपिटर का नक्षत्र स्वामी कौन है? यानी कि जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? वीनस। वीनस वीनस किस हाउस को ओन करता है? इलेवेंथ एंड फोर्थ। इलेवेंथ एंड फोर्थ, खैर मैंने खाली समझाने के लिए चार हाउस लिया, फोर्थ हमने नहीं लिया है। तो जुपिटर विल गिव द रिजल्ट ऑफ इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, पहले नाइन्थ एट्थ का देगा, फिर नाइन्थ का देगा, उसके बाद इलेवेंथ का देगा, क्योंकि उसका लॉर्ड जो है, जुपिटर का जो लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड, वो इलेवेंथ हाउस का ओनर है, स्वामी है। उसके बाद फिर रिजल्ट जुपिटर सबसे वीकली किसका देगा? सबसे कमजोरी के साथ, जिस हाउस को जुपिटर ओन करता है, नाइन्थ हाउस को ओन करता है। तो नाइन्थ हाउस हम देख चुके हैं कि बी, दिस इज कॉल्ड ए लेवल सिग्निफिकेशन। देखिए ये ए लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बी लेवल सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सी लेवल थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और डी लेवल लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। केपी का रूल है, सबसे पहले ए लेवल सिग्निफिकेशन से जो है सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं, उसके बाद बी लेवल, बी कॉलम। ये कॉलम्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो एक प्रैक्टिस चार्ट है, उसमें अभी हम करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए आप लोग। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन आइए। एक बार में शायद नहीं, आप वीडियो फिर से देखेंगे और सुनेंगे अगर ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, तब आपको जो है ना वो और क्लियर होगा। चलिए आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन। आप देखिए ये स्क्रीन खुल गई आप लोगों के सामने, आ गए स्क्रीन ना? यस सर, यस सर, यस सर। आप देखिए, दीज आर कॉल्ड द गोल्डन रूल्स ऑफ केपी। पूरी केपी कृष्णमूर्ति पद्धति जो है, ये चार पांच छह जो गोल्डन रूल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। अभी तक जो हमने पढ़ा, अब वही चीज मैं आपको राइटिंग में बता रहा हूं। ये वही टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स है, वही टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स है जो लास्ट में था। देखिए, अ प्लैनेट इन केपी, अ प्लैनेट इन कृष्णमूर्ति पद्धति गिव्स रिजल्ट्स एज अंडर। नीचे जो दिए गए रूल्स हैं, ये गोल्डन रूल्स ऑफ केपी कहलाते हैं। कोई भी प्लैनेट विल, हाउ विल इट गिव रिजल्ट? इट विल, देखिए, फर्स्ट गिव द रिजल्ट ऑफ द हाउस वेयर इट्स नक्षत्र और स्टार लॉर्ड, नक्षत्र और स्टार लॉर्ड एक ही चीज है, वेयर इट्स नक्षत्र लॉर्ड इज सिटिंग। ये लेवल ए रिजल्ट होता है। इन द टेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जुपिटर विल गिव द रिजल्ट प्राइमरीली, प्राइमरीली मतलब सबसे स्ट्रांगली, प्राइमरीली एंड स्ट्रांगली ऑफ द एट्थ हाउस एज इट्स स्टार लॉर्ड। हु इज इट्स स्टार लॉर्ड? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वीनस। द स्टार लॉर्ड इज सिटिंग देयर। ओके, ये अभी हमने पढ़ा था ना, तो ये रूल नंबर वन है। एनी प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ इट स्टार लॉर्ड, नंबर वन, सबसे स्ट्रांगली रिजल्ट वो देगा कृष्णमूर्ति पद्धति में, कोई भी ग्रह। सेम रूल्स अप्लाई टू वीनस मून केतु एंड सैटर्न, जो अभी हमने पढ़ा था। ये देखिए, जुपिटर वीनस मून केतु सैटर्न, हमने पढ़ा था इनके नक्षत्र कौन कौन है और नक्षत्र कहाँ बैठे हैं, तो ये किसका रिजल्ट देंगे। ये कॉन्सेप्ट रूल नंबर वन क्लियर है आप लोगों को सबको, तब मैं आगे बढ़ता हूं। बेहिचक बोलिए, किसी को डाउट है? रजनीश जी आपको डाउट है? नहीं सर, ठीक है सर। देवी प्रसाद जी आपको डाउट है अब या क्लियर हो रहा है? थोड़ा क्लियर हुआ है। हाँ हुआ, अच्छा, नहीं हुआ तो फिर बाद में कर लेंगे, अब हमको आगे बढ़ने दीजिए ना। हाँ, क्योंकि ये इस पर मेरा तवज्जो इसलिए बहुत ज्यादा है कि यही बेसिक रूल्स ऑफ केपी हैं। नंबर टू, द प्लैनेट विल देन गिव रिजल्ट ऑफ द हाउस दैट इट ऑक्यूपाइज। जुपिटर की हम बात कर रहे हैं, वो लेवल बी पे,
in the given table, Jupiter, for example, will, after strongly giving the result of the earth cusp, सबसे strongly earth cusp दिया, उसके बाद, as described below, will give the result of the ninth house, as it occupies the ninth house, though not very strongly, as there is our planet sitting in its nakshatra, वो हम बताएंगे आपको. Second Jupiter in strength जो देगा, वो नाइन्थ हाउस करेगा, क्योंकि वो नाइन्थ हाउस में बैठा है. इसको इसका मतलब जरा समझिएगा. ऊपर टेबल में जो हेडिंग्स लिखी हुई है ना, ये ए है जो, अच्छा चलिए इसमें आते हैं. थर्ड द प्लैनेट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट वन प्लैनेट. सबसे पहले जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है वो नक्षत्र लॉर्ड कहाँ है, उसका रिजल्ट देगा. दूसरा वो खुद किस भाव में बैठा हुआ है, उसका रिजल्ट देगा. उसके बाद the planet will then give the result of the house that is owned by its nakshatra lord. In the table, in the given table, that is level C, result of the 11th house as its nakshatra or lord, the planet, we are talking about Jupiter. ठीक है, तो Jupiter third in strength किसका देगा, जिस भाव को उसका नक्षत्रा लॉर्ड वीनस ओन करता है. तो वीनस ओन करता है 11th हाउस को. तो जुपिटर थर्ड इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ अपने दशांतर दशा में 11th हाउस का रिजल्ट देगा. और लास्ट जो रूल है, लास्टली एंड मोस्ट वीकली लेवल डी, यानी कि कोई प्लैनेट जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव का स्वामी है उसका रिजल्ट देगा. ये चार गोल्डन रूल्स ऑफ केपी हैं. जुपिटर ले लें, अभी हम किसी और प्लैनेट की नहीं बात करें. सबसे पहले समझिए, जुपिटर उसका रिजल्ट देगा जिसके नक्षत्र में बैठा है, उसका नक्षत्र स्वामी वो हो गया, उसका नक्षत्र स्वामी वीनस है. तो वीनस उसका नक्षत्र स्वामी जिस भाव में कुंडली में बैठा है, आठवें भाव में बैठा हुआ है, तो वीनस जो है, वीनस का रिजल्ट जुपिटर देगा, आठवें भाव का देगा. उसके बाद जुपिटर रिजल्ट देगा खुद जहां बैठा है, तो खुद जहां बैठा है वो नाइन्थ हाउस में बैठा है. ठीक है, उसके बाद वो रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र स्वामी के स्वामित्व का. अपना जो उसका नक्षत्र स्वामी है, वो एवरी प्लैनेट एक्सेप्ट राहु एंड केतु, दे ओन सर्टेन हाउसेस. तो लाइक वीनस ओन्स, वीनस दे ओन राशीज, वीनस ओन्स लिब्रा एंड टॉरस. तो लिब्रा एंड टॉरस में से एक कोई 11th हाउस में गिर रहा है, तो जुपिटर फिर लास्टली, जुपिटर जो है वो देगा वीनस का रिजल्ट थर्ड लेवल पे, सी लेवल पे. और डी लेवल पे देगा सबसे वीकली जुपिटर जिस हाउस का स्वामी है. तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति में दो चीज का एडिशन हुआ. क्या एडिशन हुआ कृष्णमूर्ति पद्धति में? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई ग्रह जहां बैठा है उसका रिजल्ट देगा, और जिस जिस भाव का स्वामी है उसका रिजल्ट देगा. तो दो ही कॉलम होंगे कृष्णमूर्ति पद्धति में जो है, ये वैदिक में. अगर हम इसको उड़ा देते हैं, अगर हम इन दोनों कॉलम्स को उड़ा देते हैं, देखिए अब हम ए और सी को अगर हम उड़ा देते हैं, उसको हम चेंज करना भूल गए पिछले, देखिए हम उड़ा देते हैं इसको. ए को उड़ा देते हैं, देखिए ये आ गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सिग्निफिकेशंस. जुपिटर किसका रिजल्ट देगा? एज ऑक्यूपेंट वैदिक में जहां बैठा है उसका, और जिसको जिस घर को वो ओन करता है, नाइन्थ में बैठा है, नाइन्थ को ओन करता है, तो नाइन्थ का रिजल्ट देगा. कृष्णमूर्ति पद्धति में आ जाएंगे तो जुपिटर यहां पर वीनस के नक्षत्र में बैठा है, तो आठवें भाव का घर रिजल्ट देगा. ये कृष्णमूर्ति पद्धति और वैदिक में ये फर्क है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस.
जिसके चलते मैं जो बता रहा था कि वीनस को रिजल्ट तो देना था 9th का, लेकिन वो दे दिया 8th का। 8th का क्यों दे दिया? तो कृष्णमूर्ति जी ने बोला 8th का इसलिए दिया कि उसका नक्षत्र स्वामी जो है वीनस, वो 8वें 8th हाउस में बैठा हुआ है, इसीलिए उसने 8th का दिया। ठीक है, एनी प्लैनेट विल आल्सो बी टिंटेड बाय द कंजंक्शन इट मेक्स विद एनी अदर प्लैनेट, वो ठीक है, कंजंक्शन और एस्पेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे, अभी उससे कंफ्यूज मत होइए। ये पेज 2 है हमारा, ये इसमें बताइए आप लोग, ये क्लियर है आप लोगों को? सर एक बार सॉफ्टवेयर में बता दीजिए सर, टेबल की सॉफ्टवेयर में बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग खाली जगह था वो म्यूट कर लीजिए, स्पेस दबा के करिए जो बता रहे हैं, स्पेस दबा के जहां से भी आवाज आ रही थी। चलिए देखिए, ये आपके सामने अब आ गया। ठीक है, आपके सामने अब आ गया। चलिए अब आप एक एक करके हम टेक अप करते हैं। लेट अस सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसको प्लीज कर दीजिए, मेरा कंसंट्रेशन लॉस होता है। किसका अनम्यूटेड नहीं है? हाँ देखिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। चलिए लेट अस टेक अप राहु। Who will tell me? सबसे पहले राहु बताइए किसके नक्षत्र में है? अच्छा राहु छोड़िए, राहु डज नॉट ओन एनी हाउस, वो राहु केतु हम बाद में स्टडी करेंगे। सन पर आ जाइए, सन अपने ही घर में, उसको भी छोड़ दीजिए। चलिए वीनस पे आ जाइए। वीनस देखिए, वीनस का मुझे बताइए कि वीनस कहाँ कहाँ का रिजल्ट देगा कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से। हो सकता है मैं आप लोगों को ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ, कोई और बोलेगा तो समझ। मनीषा जी आप बोलिए, आप बताइए, और मैं आई एम हैंडिंग ओवर द क्लास टू यू फॉर अ फ्यू मिनट्स। वीनस का अपने लॉजिक के साथ बताइए, वीनस कहाँ का रिजल्ट देगा और क्यों देगा, आप बताइए। आपको वीनस इज अ नक्षत्र लॉर्ड ऑफ सिटिंग इन नक्षत्र लॉर्ड ऑफ वीनस ओनली। हाँ, नक्षत्र लॉर्ड ऑफ वीनस ओनली, हिंदी में बोलिएगा, दोनों में बोलिएगा। ओके, एंड वीनस इज सिटिंग इन, नहीं वीनस बताइए क्यों वीनस नक्षत्र अपने नक्षत्र में क्यों बैठा हुआ है। ठीक है, आप ठीक बोल रही हैं, ठीक बोल रही हैं आप। आप लाइन पे है ना, कटा तो नहीं है सर? वीनस लियो में है। वीनस लियो में तो है, वीनस में सर, लियो में है, 24 डिग्री 30 मिनट पे है, तो वो सर वीनस का ही नक्षत्र आता है, अपने ही नक्षत्र में है। ठीक है, ये तो दैट इज स्टेप नंबर 1 देख लिया हमने। अब ये देखेंगे कि सर वीनस ये भाव कुंडली में बैठा कहाँ पे हुआ है सर? इस कुंडली में, भाव कुंडली प्लेसिडियस सिस्टम केपी के सामने कहाँ बैठा है वीनस? सेवेंथ कस्ट में। सेवेंथ, तो सबसे पहले वीनस कहाँ का रिजल्ट देगा? सेवेंथ का देगा। सेवेंथ का देगा, ठीक है, सबसे पहले देगा। और सेकंड कहाँ का देगा? वो भी सेवेंथ का देगा। सेकंड भी सेवेंथ का ही देगा, क्योंकि सेवेंथ भी। वेरी गुड, सेवेंथ में बैठा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड बताइए कहाँ के, किस के, थर्ड के कहाँ का देगा? सर जहाँ का लॉर्ड है सर। कहाँ का लॉर्ड है? जिस राशि का लॉर्ड है, जिस राशि का लॉर्ड है, नहीं सॉरी, जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है। ठीक है, उसका उसका नक्षत्र स्वामी कौन है? सर शुक्र खुद है। शुक्र खुद है, ठीक है ना, तो अपने नक्षत्र के ओनरशिप का रिजल्ट देगा। ठीक है, अपने नक्षत्र लॉर्ड खुद ही है वो, तो उसकी ओनरशिप किस किस भाव की है? सर यहाँ पे है सर, एक तो है सर चतुर्थ, सर द्वितीय चतुर्थ भाव की सर, और फोर्थ एंड नाइन्थ। नाइन्थ भी, वेरी गुड। तो ये आप लोगों को लगता है कि क्लियर हो गया है, दो लोगों, तीन लोगों को हो गया, और
चलिए फिर एक और पूछते हैं, कोई और बताएगा मुझे किसी से, मैं किस चंद्रमा का, चलिए बताइए मुझे चंद्रमा कहाँ कहाँ का रिजल्ट देगा, कोई और बताएगा? देवी प्रसाद जी आप बता पाएंगे चंद्रमा कहाँ का रिजल्ट देगा, किसके नक्षत्र में बैठा है चंद्रमा? देखिए आप हैं ना मिस्टर देवी प्रसाद, आर यू देयर? आप लोग देख सकते हैं क्या देवी प्रसाद जी का नाम? मैं तो स्क्रीन से हटा देता हूँ रिकॉर्डिंग की वजह से, नहीं तो अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं होती है ज्यादा लोड होने से। देवी प्रसाद जी हैं और मतलब प्रोग्राम में, क्लास में, या नहीं है? कैन एनीबॉडी सी देवी प्रसाद रिटन? सर है सर। हाँ तो जरा सा बताइए ना मुझे, चंद्रमा के बारे में पूछ रहा हूँ कि चंद्रमा जो है किसके नक्षत्र में है, किस ग्रह के नक्षत्र में है? जुपिटर। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, चंद्रमा जो है जुपिटर के नक्षत्र में है, ठीक है? Yes. तो सबसे पहले चंद्रमा, देवी प्रसाद जी को पूछ रहा हूँ, सबसे पहले चंद्रमा किस भाव का रिजल्ट देगा? सर जुपिटर, जुपिटर के भाव में है, जुपिटर के नक्षत्र में है, तो वो जुपिटर किस भाव में बैठा हुआ है? हाउस में होगा उस हाउस को। हाँ तो किस हाउस में है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जुपिटर किस हाउस में है? सेकंड में। फिर से देखिए ध्यान से, सर जुपिटर किसमें है? सर 10 नंबर 11 नंबर सर। नहीं नहीं नहीं, किस भाव में है, आप राशि की बात कर रहे हैं, किस भाव में है, किस हाउस में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, किस में है जुपिटर? सेकंड में है सर। कैसे सेकंड में है? सेकंड कहाँ शुरू हो रहा है? फर्स्ट में है। फर्स्ट में है ना, तो फिर चंद्रमा किसका रिजल्ट देगा सबसे पहले, चूंकि वो फर्स्ट का देगा, ठीक है? सेकेंडली चंद्रमा किसका देगा? सेकेंड इन स्ट्रेंथ किसका देगा? कैन एनीबॉडी एल्स टेल मी? फिफ्थ हाउस का सर। फिफ्थ हाउस का देगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस में बैठा है। थर्डली इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ किसका देगा वो? विल गिव सेकंड एंड किसका किसका देगा बताइए? इसकी धनु राशि में 11वां और 12वां भाव पड़ रहा है, ठीक है, उसका देगा। और सेकंड का तीन हाउस, यहाँ पर जुपिटर की ओनरशिप तीन हाउसेस की है, राशि दो ही है, तीन हाउसेस की है, तो 11th 12th और सेकंड का रिजल्ट चंद्रमा देगा, ठीक है, थर्ड लेवल में। और लास्टली चंद्रमा सबसे वीक तरीके से किसका रिजल्ट देगा? सेवेंथ, बिकॉज चंद्रमा ओन सेवेंथ, ठीक है? तो ये आप लोग समझ रहे हैं, नहीं तो चार दिन में या तो देखिए गेट इन टच विद मी सेपरेटली, या इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं वैसे एक हमने वो किया है, देखिए लेट अस सी नाउ। सर एक बार ये टेबल की सहायता से भी बता दीजिए, कई लोगों को वो ढूंढने में, नक्षत्र ढूंढने में दिक्कत होती होगी सर, बाजू में टेबल बना है सर,
उससे भी आ जाता है आसानी से समझ। कौन सा बाजू में टेबल बना है सर? ये प्लेनेटरी पोजीशन, तो ये मून किसके नक्षत्र में है, तो वो तो मैं टेबल आपको दे चुका हूँ, दैट टेबल इज देयर फर्स्ट एंड सेकंड लेसन। सर ये सॉफ्टवेयर में जो टेबल बना है ना सर, उसकी सहायता से आप बता देंगे तो आ जाएगा लोगों को सर समझ में, सॉफ्टवेयर में जो प्लेनेटरी पोजीशन बनी है। तो ये देखिए ऐसा है ना, मैं सबको कह रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर आपको खरीदना पड़ेगा, आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी खरीद सकते हैं। देखिए इस चार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं ना, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स जो है ना ये दूसरे पेज पे होता है इसमें, इस सॉफ्टवेयर में। मैंने उनको सजेस्ट किया है कि भाई सेम पेज पर लाइए। देखिए ये टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स है, ये यहाँ है। किस प्लैनेट की हम बात कर रहे थे? मून की बात कर रहे थे, मून की बात कर रहे थे। हाँ तो देखिए मून जो है जुपिटर के नक्षत्र में था, है कि नहीं? और जुपिटर किस हाउस में बैठा था? कर्सर को देखिए, ऑक्यूपेंट ऑफ विच हाउस? जुपिटर इज ऑक्यूपेंट ऑफ विच हाउस? यहाँ देखो फर्स्ट हाउस। तो मून सबसे स्ट्रांगली अपने नक्षत्र स्वामी जुपिटर का रिजल्ट देगा फर्स्ट हाउस का। उसके बाद मून कहाँ खुद बैठा हुआ है? मून किस हाउस में बैठा हुआ था? मून सिटिंग इन विच हाउस, याद करिए? फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस। सेकेंड इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ देखिए ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट की हैसियत से ये रिजल्ट देगा। उसके बाद फिर मून किसका रिजल्ट देगा? जुपिटर जिन भावों को ओन करता है, तो जुपिटर किसको ओन करता है? यहाँ मिलेगा आपको जून 11-12 सेकेंड को ओन करता है, 11th को ओन करता है और 12th को ओन करता है। जुपिटर मून उसके नक्षत्र में है, तो थर्ड इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ मून विल गिव द रिजल्ट ऑफ सेकेंड 11th एंड 12th। देखिए बैकग्राउंड से क्यों आवाज आ रही है, मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्या दिक्कत है। या तो अगर उनके सिस्टम में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन एक्सट्रेनियस आवाज घर के अंदर से आ रही है तो डिस्टर्बेंस होता है ना, कंसंट्रेशन भंग होता है भाई। देखिए ये बहुत, ये मैं हमेशा मैं सबको बोलता हूँ कि स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मैं कितना भी आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन वो डिस्टर्ब, ये आप ये समझ जाइए कि एमए बीए या एमएससी बीएससी से कम की नहीं है पढ़ाई, स्पेशली केपी। सर ये मैं बता देता हूँ सबको फिर से एक बार, सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके रखें और जब भी बोलना हो तो स्पेस बार दबा दे, जैसे ही आप जब तक स्पेस बार दबाएंगे तब तक आप रहेंगे, और जैसे ही आप स्पेस बार छोड़ देंगे आप अपने आप अनम्यूट हो जाएंगे, बार बार आपको अनम्यूट करने अच्छा की जरूरत नहीं है। सर जी, हाँ जी, हेलो, और लास्ट, हाँ हेलो सर जी, हाँ ये जो स्टार वो ऑक्यूपेंट है ना सर, हाँ तो इनकी दशा में ये रिजल्ट देगा इस तरह। हाँ इनकी दशा में, दशा पर हम आएंगे, प्लैनेट कब रिजल्ट देता है वो अलग टॉपिक है, वो हम बता देंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ सर कि जो दशा होती है वो स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट के हिसाब से होती है? दशा तो सभी ग्रहों की आएगी ना यार। नहीं वो ठीक है सर जी, लेकिन हमने इसने स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट देखना है ना, दशा चंद्रमा के नक्षत्र, चंद्रमा की जब महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी तो सबसे स्ट्रांगली चंद्रमा जो है इस टेबल के हिसाब से रिजल्ट देगा। ए कहाँ लिखा हुआ है? सबसे स्ट्रांगली ए लेवल में अगर है तो देगा, बी लेवल में है तो देगा, सी लेवल में है तो देगा, डी लेवल, अपने दशा अंतरदशा में। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, आप ही के यहाँ से वो आवाज आ रही है। चलिए ये एक्चुअल टेबल्स हम लोग आएंगे। अब हम जो देखिए इसमें, इसी टेबल में कोई और हम एक रूल पढ़ते हैं, ये टेबल में आपको दिखा रहा था, अब रूल नंबर 2 को समझिए, रूल नंबर 2 को समझिए। अब देखिए ये तो कोई जरूरी नहीं है, ग्रह होते हैं 9, देयर आर 9 प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स होते हैं 9, नक्षत्र होते हैं 27, तो हर एक प्लैनेट किसी ना किसी नक्षत्र में होगा, किसी ना किसी के नक्षत्र में होगा 27 नक्षत्रों में से। तो कुछ ऐसे भी नक्षत्र हो सकते हैं जिनके, कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हो सकते हैं सॉरी,
जिनके नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। जैसे इसमें देखेंगे अगर, तो देखिए यहाँ सैटर्न और मरकरी और मून, इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। तो जब इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो ये कॉलम ए तो ब्लैंक रहेगा। इसको समझिए कि ऑक्यूपेंट ऑफ कस, ऑक्यूपेंट के नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, जैसे ये यहां देखिए कर्सर को देखिएगा, सैटर्न लिखा है हमने, सैटर्न इज ऑक्यूपेंट ऑफ इलेवेंथ हाउस। इससे भी देख लीजिए, जहां इलेवेंथ हाउस है वहां सैटर्न आपको मिलेगा। सैटर्न इज ऑक्यूपेंट ऑफ इलेवेंथ हाउस, ठीक है। सैटर्न के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, तो सैटर्न ऑल्दो इट इज अपियरिंग इन बी कॉलम, बट सबसे स्ट्रॉन्गली वो रिजल्ट किस भाव का देगा, वो इलेवेंथ भाव का देगा, क्योंकि वो अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड उस ग्रह को कहते हैं जिसका, जिसके नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं हो। यहाँ सैटर्न के नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं है, मरकरी के नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं है, सैटर्न और मरकरी दोनों जो हैं इलेवेंथ हाउस में बैठे हैं, तो सबसे स्ट्रांगली इलेवेंथ हाउस का रिजल्ट सैटर्न और मरकरी देंगे हमें। उसी प्रकार से मून ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ है और मून के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। अब ये देखने के लिए कि कोई भी कौन ग्रह है कि नहीं है, वो फिर से वही हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको नक्षत्रों की पोजीशंस आपको याद करनी होगी, माइंड में इम्प्रिंट कर लेना होगा। तो अगर इफ देर इज नो प्लैनेट, इफ देर इज नो प्लैनेट इन द नक्षत्र ऑफ एनी प्लैनेट, देन दैट प्लैनेट एज ऑक्यूपेंट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द ऑक्यूपाइड हाउस वेरी स्ट्रांगली। ये समझे आप, मैं आपको देखिए कंपेयर करिए, जैसे वीनस, वीनस के नक्षत्र में जुपिटर है, वीनस आठवें भाव में बैठा है, तो आठवें भाव का रिजल्ट जो है वीनस के नक्षत्र में जो है जुपिटर वो देगा। सेम पोजीशन ये इलेवेंथ हाउस में आई है, इलेवेंथ हाउस में वीनस नहीं बैठा है, सैटर्न बैठा है, तो अगर सैटर्न के नक्षत्र में कोई ग्रह होता तो वो इलेवेंथ का हाउस सबसे स्ट्रांगली देता, लेकिन कोई ग्रह नहीं है, इसको हम अनटेनेंटेड प्लैनेट कहते हैं, तो सैटर्न ही की जिम्मेदारी हो जाएगी इलेवेंथ हाउस का रिजल्ट देने के लिए, मरकरी की ही जिम्मेदारी हो जाएगी इलेवेंथ हाउस का रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली देने के लिए, मून की जिम्मेदारी हो जाएगी ट्वेल्थ हाउस का रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली देने के लिए। तो आप देखिए ए और बी कॉलम हमने पढ़ लिया, अब थर्ड एग्जांपल पर आइए। ऑक्यूपेंट कोई जरूरी नहीं है कि हरेक हाउस ऑक्यूपाइड हो, जरूरी तो नहीं है ना कि हरेक घर में कोई ना कोई प्लैनेट हो। देखिए सेकेंड में कोई नहीं है, सेकेंड में कोई नहीं, थर्ड में है, सेकेंड में कोई नहीं है, हम अभी सेकेंड को ले लेते हैं, फर्स्ट में भी कोई नहीं, चलो भाई हम सेकेंड को लेते हैं, बाद में फर्स्ट को लेंगे, स्टेप बाय चल। सेकेंड हाउस में कोई भी ऑक्यूपेंट नहीं है, सेकेंड हाउस इज विदाउट अ प्लैनेट। देखिए इस चार्ट को यहाँ देखिए, सेकेंड यहाँ लिखा है, कर्सर देख रहे हैं ना, यहाँ मैं घुमा रहा हूँ, ये सेकेंड हाउस है, इसमें कोई प्लैनेट नजर आ रहा है आप लोग को? नहीं आ रहा है ना, तो मतलब ऑक्यूपेंट नहीं है, तो सेकेंड हाउस का ऑक्यूपेंट कॉलम ब्लैंक है। तो ऑक्यूपेंट कॉलम जब ब्लैंक है तो नेचुरली ये ए भी ब्लैंक रहेगा, क्योंकि जो बैठता है इसी का नक्षत्र में कौन बैठा है वो दिखाई पड़ता है। तो ऐसे केस में जहां की कोई हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तब उसका रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली कौन देगा? उसका रिजल्ट सबसे स्ट्रांगली देगा इस जिस हाउस की बात हो रही है उसके ओनर के नक्षत्र में जो ग्रह बैठा है वो देगा। अब इसका ओनर कौन है सेकंड हाउस का? यहां देखिए ये मेरे कर्सर को लेफ्ट साइड में, सेकंड हाउस का, सेकंड हाउस है कौन सी राशि बताइए? लियो सर। लियो, कोई प्लैनेट बैठा है यहाँ? नहीं सर, नहीं बैठा है। एंड हु इज द लॉर्ड ऑफ लियो सेकंड हाउस? सन। सन, तो सन इज द ओनर और लॉर्ड ऑफ द सेकंड कस्प। तो सन के नक्षत्र में कोई बैठा है अगर, तो मार्स बैठा हुआ है, वो आप जब वो हो जाए, देखिए मार्स यहाँ बैठा है, इट इज इन द नक्षत्र ऑफ सन, तो मार्स सबसे स्ट्रांगली सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा।
जैसे जैसे ये कॉलम्स ब्लैंक होंगी तो इट्स स्ट्रेंथ राइट साइड वाले की बढ़ती जाएगी। अब आइए फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस में देखिए, फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस कहाँ है इसमें आइडेंटिफाई करके मुझे बताइए जरा, वेयर इज द फर्स्ट हाउस, टेल मी द राशि ऑफ द फर्स्ट हाउस। कर्क राशि। कर्क। फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है क्या? नहीं सर। मून तो नहीं बैठा है ना फर्स्ट हाउस में? नो सर। ये तो क्लियर है ना, फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, ठीक है? तो ये बी कॉलम ब्लैंक हो जाएगा फर्स्ट हाउस का। अब आ जाइए कि लॉर्ड कौन है, हु इज द लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट फर्स्ट हाउस, कौन है लॉर्ड इसका? मून सर। मून सर, मून है सर। तो मून यहाँ हम लिखते हैं ओनर ऑफ फर्स्ट हाउस के सामने, ओनर ऑफ लॉर्ड ऑफ कस्प इज मून। मून के भी नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, तो मून हैज द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट हाउस इन फुल स्ट्रेंथ। ये केपी का बेसिक फंडा है, ये केपी का बेसिक फंडा है। मून इज द ओनली प्लैनेट गिविंग द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट हाउस, प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का जो जो रिजल्ट है, आपकी सेहत, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी ओवरऑल लाइफ, ठीक है, और जो होता है हेल्थ भी है, आपका गेटअप, योर अपीयरेंस, ये सारे की जिम्मेदारी मून के ऊपर है। मून विल प्ले अ बिग रोल इन योर जनरल लाइफ, इन हाउ यू लुक, हाउ योर हेल्थ इज गोइंग टू बी। मून विल प्ले अ बिग रोल बिकॉज इट इज द ओनली सिग्निफिकेटर ऑफ द फर्स्ट हाउस। दे केपी में ये ग्रहों को सिग्निफिकेटर्स बोलते हैं हम, जैसे फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर मून है, सेकेंड हाउस के सिग्निफिकेटर्स मार्स हैं और सन, सन भी है, लेकिन इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ पहले मार्स सबसे मजबूती से फल देगा, उसके बाद सन देगा। एर्थ हाउस के सिग्निफिकेटर्स कौन कौन है? जुपिटर है, वीनस है, फिर जुपिटर है। सबसे स्ट्रांगली जुपिटर रिजल्ट देगा, फिर वीनस देगा, फिर सैटर्न देगा। नाइन्थ हाउस के कौन कौन ये सारे सिग्निफिकेटर्स है? वीनस, मून, केतु, सैटर्न, ये ए कॉलम में बैठे हैं, सबसे स्ट्रांगली ये रिजल्ट देंगे। उसके बाद जुपिटर राहु देंगे, उसके बाद मून वीनस देंगे, एंड में सबसे कमजोरी से जुपिटर देगा। लेकिन जुपिटर ऑलरेडी यहाँ सेकेंड इन स्ट्रेंथ में दे रहा है, सो जुपिटर इज क्वाइट स्ट्रांग फॉर नाइन्थ हाउस। इलेवेंथ हाउस में ये सिग्निफिकेटर्स है, सैटर्न और मर्करी सबसे स्ट्रांगली देंगे रिजल्ट, उसके बाद जुपिटर देगा, उसके बाद वीनस देगा। ट्वेल्थ हाउस में सबसे स्ट्रांगली ये सिग्निफिकेटर्स है, मून देगा सबसे स्ट्रांगली रिजल्ट और मरकरी भी देगा, उसके बाद मरकरी देगा, ठीक है? और भी रूल्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ये बेसिक रूल्स ऑफ केपी यही है। अब मैं एक अब देखता हूं कि आप लोग को मैंने पढ़ाया, और गोल्डन रूल्स भी हमने आपको पढ़ाए हैं, गोल्डन रूल्स और भी हैं, उनको हम करेंगे प्रैक्टिस, लेकिन हम एक मिनट, ये चलिए इसको मैं ये लेता हूँ। ये देखिए एक प्रैक्टिस चार्ट एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस चार्ट है। अब ये आपके सामने हमने ये चार्ट बना दिया है यहाँ, और ये इसको हमने ब्लैंक रखा है। अगर आप देखिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये आपको कोई भी हॉरोस्कोप, ये आपको अपने खुद बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है रेडीमेड, बिल्कुल एकदम प्रिपेयर्ड, पैक्ड, पैकेज्ड आपको सॉफ्टवेयर दे देता है, बट स्टिल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, ये क्यों ये टेबल आ रहा है और सॉफ्टवेयर में, तो इसको भरना शुरू कीजिए। अब मुझे आप लोग बताएंगे, आप लोगों से मैं पूछूंगा, एक ही आदमी जवाब नहीं देंगे, सबसे जवाब लेंगे। अब ये देखिए कॉलम्स को समझिए, एक दिस टेबल हैज टू बी पॉपुलेटेड और फिल्ड अप। हम चार कस्प का खाली एग्जांपल ले रहे हैं, एट्थ हाउस का, नाइन्थ हाउस का, टेंथ हाउस का और इलेवेंथ हाउस का। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट कॉलम हियर, और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम आइदर बी और डी। चलिए बी से शुरू कीजिए आप, आप मुझे एर्थ कस्प का ऑक्यूपेंट्स बताइए कौन कौन है, टेल मी दी ऑक्यूपेंट। नहीं है सर, कोई भी नहीं है। एक सेकंड जरा हमें अपने इसको ठीक कर लें, मुझे भरना है ना आपके लिए।
जस्ट वेट फॉर थोड़ा सा अच्छा है। एक मिनट इसको और छोटा कर दें थोड़ा सा ठीक है। एट्थ कस्प में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है? इज देयर एनी ऑक्यूपेंट? लेट अस यूज दी टेक्निकल लैंग्वेज। इज देयर कोई ऑक्यूपेंट कोई बैठा हुआ है? देखिए स्टार्ट फिलिंग अप विद दिस कॉलम देन वी विल। नो सर कोई नहीं है। ठीक है तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, एक हम इसमें लाइन खींच देंगे, दैट मींस ऑक्यूपेंट कोई भी नहीं है। ठीक है नाउ लेट अस कम टू द नाइन्थ कॉलम, नाइन्थ हाउस। इज देयर एनी ऑक्यूपेंट ऑफ द नाइन्थ हाउस? मार्स है सर। मार्स है ठीक है तो हम इसमें लिख देंगे मार्स। ठीक है ओके। टेंथ हाउस में देखिए कोई है? नहीं सर। इलेवेंथ हाउस में कोई है? सन। सन ठीक हो गया। चलिए सो नाउ ये पॉपुलेटेड हो गया हमारा, ये हमने ऑक्यूपेंट्स ऑफ दिस चार्ट जिनको हम 12 के 12 हम कस्प को नहीं लिखे हैं, जस्ट वो फिर आप लोग ज्यादा कंफ्यूज होंगे, खाली सिखाने के लिए चार कस्प एट रैंडम हमने पिकआउट कर लिया है। तो एट्थ कस्प में कोई नहीं है, नाइन्थ कस्प में मार्स है, इलेवेंथ कस्प में सन है। अब हम ओनरशिप पे आते हैं। ओनरशिप तो सभी की होगी, ओनरशिप बताइए एट्थ कस्प की ओनरशिप किसकी है? जुपिटर। ठीक है नाइन्थ की? मार्स। देवी प्रसाद जी अब बताइए टेंथ कस्प का मालिक कौन है? स्वामी हु इज द लॉर्ड ऑफ द टेंथ हाउस? टेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है? सैटर्न सर। नहीं चार्ट को देखिए, लेफ्ट साइड में जो चार्ट है टेंथ हाउस का लॉर्ड कौन है? टेंथ हाउस कहाँ नजर आ रहा है आपको? वेयर इज द टेंथ हाउस? किस राशि में है ये देख लीजिए। किस राशि में है टेंथ हाउस? टॉरस। हाँ टॉरस। टॉरस बोले? टॉरस। हाँ टॉरस का लॉर्ड कौन है? वीनस। तब तो फिर वीनस हुआ ना टेंथ का लॉर्ड। अच्छा अब आइए इलेवेंथ का, इलेवेंथ का लॉर्ड आप ही बताइए मुझे, इलेवेंथ का लॉर्ड कौन होगा? टेंथ का टॉरस है आपने बता दिया, वीनस मर्कुरी। मर्करी है ना? ठीक है वेरी गुड ओके। शॉर्ट फॉर्म में हमने मरकरी लिख दिया। अब देखिए ये हमने पॉपुलेट कर दिया ऑक्यूपेंट ऑफ कस्प एंड ओनर ऑफ कस्प। नाउ वी हैव टू सी, अब इस कॉलम को पॉपुलेट करेंगे। ठीक है एर्थ हाउस का कोई ऑक्यूपेंट नहीं है तो नेचुरली यहां भी कोई नहीं हो सकता है, एक ए में नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं Mars is occupying the ninth house. अब आप लोग बताइए मुझे देख करके Mars के नक्षत्रों में, Mars के तीन नक्षत्र होते हैं, तीनों में कोई प्लैनेट नजर आ रहा है आप लोगों को? So now you know कि Mars के नक्षत्र कहाँ कहाँ होते हैं।
रजनीश जी, मार्स के नक्षत्रों में कोई प्लैनेट नजर आ रहा है? मार्स का नक्षत्र कहाँ कहाँ होता है? चलिए लेट अस कम बैक। अभी हम नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। नहीं कुछ भी नहीं। मार्स का नक्षत्र होता कहाँ कहाँ है? आप मत बताइएगा सर, लेट समबडी एल्स टेल मी। मार्स का नक्षत्र कहाँ कहाँ होगा, किस राशि में, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक मार्स के नक्षत्र होंगे? देखिए आप लोग, इस सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मैं आई एम अगेन रिपीटिंग, चार दिन के बाद मैं इसी का सबसे पहले टेस्ट लूंगा, ठीक है? आई विल आस्क यू किस डिग्री से किस डिग्री कौन सा नक्षत्र है, दैट यू मस्ट नो, अदरवाइज नहीं आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप वहीं पर फंसे रह जाएंगे। देखिए मार्स का नक्षत्र कहाँ कहाँ होता है, कहाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, तो उसमें आप हमें बताइएगा कि कोई प्लैनेट है कि नहीं। मार्स का नक्षत्र, पहला नक्षत्र मार्स का टॉरस से शुरू होता है 23 डिग्री 20 मिनट से, और जेमिनी 6 डिग्री 40 मिनट तक जाता है। तो इसमें देखिए कोई प्लैनेट नजर आ रहा है क्या, बताइए ये मनीषा जी, यू हैड रेज्ड अ हैंड। हाँ, कोई नजर आ रहा है प्लैनेट आपको? किसी को नहीं है। मार्स का नेक्स्ट नक्षत्र कहाँ होगा बताइए, एनीबडी कैन टेल मी, मार्स का नेक्स्ट नक्षत्र कहाँ होगा? कन्या, वर्गो में होगा सर, वर्गो से ले, वर्गो से लेकर के वर्गो से लेके लिब्रा तक, लिब्रा। कोई प्लैनेट नजर आ रहा है? नहीं सर। नहीं आ रहा है ना, तो दो दो तो देख लिए हमने, नहीं है। थर्ड नक्षत्र उसका कहाँ से कहाँ तक होगा? कैप्रिकॉर्न से एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्न से कोई प्लैनेट है? कोई प्लैनेट है? नहीं सर। नहीं है, तो फिर मार्स के नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो मार्स इज ऑक्यूपेंट ऑफ नाइन्थ हाउस बट देर आर नो प्लैनेट्स एंड मार्स इज ऑल्सो द ओनर। अच्छा, अभी ओनरशिप छोड़िए, पहले लेट अस फिल दिस अप, पहले हम इसको भर लेते हैं। अब ये तो सन हमने देख, ये टेंथ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो जब कोई प्लैनेट नहीं है तो नेचुरली उस प्लैनेट के नक्षत्र में कोई नहीं हो सकता है। नाउ सन इज ऑक्यूपाइंग द 11th हाउस, नाउ यू टेल मी सन के नक्षत्र में, मार्स है सर, इस हॉरोस्कोप के में सन के नक्षत्र में कोई ग्रह है क्या? मार्स है सर। मार्स है, तो ये हो गया मार्स, ठीक है। Now we have populated this A and B. Now we are coming to अब एथ हाउस का ओनर जो है जुपिटर है। जुपिटर के नक्षत्र में कोई ग्रह है आप इस हॉरोस्कोप में? मून सन है सर, सन मून, ठीक है, और मून है भी, मून भी है। कौन बोल रहा है मून? सर मैं बोल रहा हूँ सर, अमित। अमित आप ब्रश अप करना होगा आपको, ठीक है। मून मून नहीं है जुपिटर के नक्षत्र में, 28 में किसका जोड़िए आप, जोड़ के बताइए, बी सैटिस्फाइड, सैटिस्फाई योरसेल्फ। यस, आश्लेष है वर्करी का, यस सर। तो फिर जुपिटर के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है? सन सर, सन है, ठीक है, ठीक हो गया। मार्स वी हैव ऑलरेडी सीन कि मार्स के नक्षत्र में कोई नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, हम लोग देख चुके हैं ना यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला, इसी में देखा है ना हमने। अब आइए वीनस, टेंथ हाउस का ओनर वीनस है, वीनस के नक्षत्र में कोई ग्रह है? नहीं सर। हाँ, ध्यान से देखिए, Saturn, Saturn, Saturn. Saturn. Okay. Mercury, Saturn. देखिए वीनस के किसी भी नक्षत्र में एक से ज्यादा भी प्लैनेट हो सकते हैं, तो सब तीनों नक्षत्र में देखिए कहीं एक से ज्यादा ही हो सकते हैं। चलिए एनीवे, नाउ वी आर कमिंग टू द 11th हाउस। 11th हाउस इज ओन्ड बाय मर्करी। मर्करी के नक्षत्रों में कोई प्लैनेट है?
मून सर मून है। तो ये हो गया हमारा ये सिग्निफिकेटर चार्ट फॉर दीज फोर हाउसेस 8th house, 9th house, 10th house, 11th house। हम इसी तरह 12 के 12 घर का बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने खाली आप लोगों को बहुत ज्यादा एकदम से वो नहीं करना चाह रहा था मैं शुरू में। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द सिग्निफिकेटर चार्ट। अब आप मुझे बताइए कि 8th house का, अच्छा नहीं छोड़िए, 11th house का सबसे स्ट्रांगली रिजल्ट कौन देगा? मार्स देगा सर। मार्स देगा और सेकेंड मार्स फिर सेकेंड इन स्ट्रेंथ मार्स और भी का रिजल्ट देगा सबसे स्ट्रांगली किसका देगा सर? सेकेंड नाइन्थ हाउस को सर। नाइन्थ हाउस का भी सबसे स्ट्रांगली देगा। उसके बाद मार्स किसका देगा? किस टेबल में बात कर रहे हैं बात सर? मार्स नाइन्थ और सिक्स का भी देगा सर। सिक्स कहाँ है? सिक्स सिक्स मार्स मार्स किसके नक्षत्र इसमें बैठा हुआ है? सिक्स का कैसे देगा मार्स? टेल मी सर। मार्स इज ओनर ऑफ सिक्स्थ आल्सो राइट सर? हाँ मार्स इज आल्सो ओनर ऑफ सिक्स्थ। नो इट इज नॉट सर। फोर्थ का देगा। फोर्थ का देगा ठीक है। इस अभी चलो फोर्थ छोड़ो आप, इस अभी जो हम सिक्स्थ हमने नहीं लिया है, फोर्थ हमने इसमें नहीं लिया है, वो बाद में पूछेंगे। फर्स्ट लेट अस, तो मार्स जो है इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ मार्स 11th का बहुत स्ट्रांगली देगा, 9th का स्ट्रांगली बहुत देगा बिकॉज ए कॉलम में कोई प्लैनेट नहीं है ठीक है, और 9th का तो दो जगह से वो दे रहा है, सो इन फुल स्ट्रेंथ इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ 11th एंड 9th। हु विल गिव अस द रिजल्ट ऑफ सबसे स्ट्रांगली 8th हाउस का रिजल्ट कौन देगा हमें? सन देगा। और इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ सन जो है फिर उसके बाद किस हाउस का रिजल्ट देगा? 11th का भी देगा सर। 11th का भी देगा। चलिए अब हम आ जाते हैं 10th हाउस का रिजल्ट हमें सबसे स्ट्रांगली कौन देगा? सैटर्न ठीक है। और 11th का हमें 11th हमने देख लिया सबसे स्ट्रांगली सैटर्न, और कहीं का भी इस चार्ट में नहीं है लेकिन और कहीं का भी रिजल्ट देगा सैटर्न इस हॉरोस्कोप में? जरूर सर। 6 और 7 का भी देगा सर। हाँ 6 और 7 का भी देगा और भी कहीं का देगा। 10 तो हमने लिख दिया है और 10 के अलावा किसका देगा? 10 का क्यों देगा वो? बिकॉज इट इज इन द नक्षत्र ऑफ वीनस एंड 10 इज ओन्ड बाय वीनस, बट वीनस आल्सो ओन्स अनदर हाउस। विच हाउस डज वीनस? थर्ड। तो थर्ड सैटर्न थर्ड हाउस का भी रिजल्ट देगा। ये कृष्णमूर्ति पद्धति हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। These are the golden rules जो हमने आपको पढ़ के सुनाया, ये यही चीज है golden rules। अब आप देखिए actual chart में हम जाते हैं फिर से। ये जब आप लोग astrology software लेंगे True Astrology का, तो इस तरह के ये table अपने आप prepared आता है, जो हमने बनाया है ये table इस तरह का prepared आता है। कौन से हाउस का कौन सिग्निफिकेटर है, कितने स्ट्रेंथ में है, ऑल दैट यू विल गेट इन दिस टेबल, बट यू मस्ट नो व्हाई, द व्हाई ऑफ इट ठीक है। मतलब हम रट के तो नहीं कर सकते हैं ना, समझना पड़ेगा हमें, समझ के करना पड़ेगा। ये गोल्डन रूल्स कंटिन्यूड हैं, लेकिन अभी आज मैं इसको छोड़ देता हूँ ठीक है। इसको आप फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये हमने पढ़ा दिया वैसे आप लोगों को समझा दिया है, तो इसको हम लोग अब वेडनेसडे ऑनवर्ड देखिए। वेडनेसडे को मैं ऑल ऑफ यू आई एम टेलिंग यू कि मैं वेडनेसडे को एक वो आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट लूंगा मैं, उसके लिए प्रिपेयर्ड होके आइएगा कि जोडियक में, जोडियक साउथ इंडियन चार्ट में I'll ask you to fill in all the nakshatras. किसका नाम नहीं, मैं 27 नक्षत्रों का नाम याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किस राशि में किसका नक्षत्र कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है ये आपको आप लोग मुझे बताएंगे। एक एक करके मैं सभी से पूछूंगा। देखिए मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं चाहूंगा
मतलब किसी से कुछ रह नहीं जाए, कोई चूक नहीं हो जाए। क्या देख, मैं आजकल क्या देखता हूँ ना कि यू नो पीपल स्पेशली केपी में दे हैव स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग विदाउट नोइंग द बेसिक्स, विदाउट नोइंग द बेसिक्स पीपल हैव स्टार्टेड मेकिंग प्रेडिक्शंस आल्सो। तो वो ये तो भी शुरुआत है, बहुत बहुत जो है इसमें सटल और इंट्रिकेट रूल्स हैं, वो आगे हम धीरे धीरे देखेंगे, बट बेस यही है, ये लॉन्चिंग पैड है, ये लॉन्चिंग पैड है, ये आप लोगों को आना आवश्यक है। तो आई थिंक बहुत टाइम हो गया आज, है ना, बहुत टाइम हो गया आप लोग। और एक रिक्वेस्ट है, देखिए लेट मत ज्वाइन कीजिए, खास करके अभी शुरू हो रहा है हम लोगों का, तो लेट अगर ज्वाइन करेंगे आप लोग तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी भाई, लेट मत ज्वाइन कीजिए प्लीज, ज्वाइन कीजिए तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ना 10:45 हो गया आज, तो इफ यू ज्वाइन लेट। ये कहां से एनलार्ज हो गया भाई,